ये पल्सर 220 सीसी है, 21,000 चल चुकी है। इसको स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, ये देखो 220 एफ है, 2023 मॉडल ही है। ये देखो क्या हो रहा है, देखो स्टार्ट हो गया ना, ये बंद हो जा रहा है, ये देखो मिस कर रहा है, ये देखो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, ये बंद हो जा रहा है बार बार, ये पिकअप भी नहीं ले रहा है। इसका हमने TPS सेंसर भी चेंज किया, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हमने इस रिले को भी चेंज किया, इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हीटअप सेंसर जो होता है इंजन के लिए, इसको भी मैंने डाला, इससे भी कुछ नहीं होता है। इसका मोटर दिखा रहा हूँ, तेल कम आ रहा है। देखो हम पंप का ये वाला निकाला और ये चालू करूँगा, ये देखो तेल नहीं आ रहा है, ऐसे तेल नहीं आता, रुक रुक के तेल आ रहा है, इसी की वजह से ये मिसिंग कर रहा है। फिर हम नया डालते हैं पंप, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे आएगा। फिर हमने ये टंकी खोलेंगे, यहाँ से जेक है, यहाँ निकालेंगे, इधर दिखाओ नीचे ज़रा, ये दो जेक है, एक ये, एक फ्यूल गेज का, ये मोटर का। फिर हम इसको बाहर निकालते हैं, ये मोटर हम फिट करेंगे, इसको खोलेंगे 5 नंबर एलेंकी से, पाइप पे पहले निकाल दिया। तेल कितना है इसमें? अबे जोक, इसमें तेल ही नहीं है यार, अभी रुक न जरा, अबे इसमें तेल ही नहीं है। इसको 5 लीटर लाने, इसको 3 लीटर लाने के लिए बोल, इसको दिखा, ये हमारा पंप को पुश करके निकाल रहा है इसको, ये देखो निकल गया, ये भी इसको आप पुश लॉक होता है इसको, ये निकल गया। ये वाला बाइक में देखो गीला हुआ, ये हमारा है पहले से, इसको हम चेंज करेंगे, इसको साइड में रख, फिर ये हम फिटिंग करते हैं। एक केबल लगाएंगे, ये देखो केबल लगा दिया, फिर ये पाइपें लगाएंगे, ये देखो पाइप में फर्क होती है, ये पाइप लगाया, फिर हम इसको फिट करेंगे ऐसे। ये वासल हमने छोड़ दिया था, ये भी लगा दिया, ये नए में नहीं आता है, ये यहाँ पे आता है, ऐसे हम लगाएंगे इसको, हमने लगाया, ये तार घूम जाएगा इधर भी, ये यहाँ आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये वाला है, ये वाला नीचे के साइड आ गया, दिखा लॉक होता है, ये पत्ती इसमें फंसेगा, फिर ये नीचे के तरफ रहेगा कट, फिर हम लेंगे खस देंगे, तो टाइट करेंगे, ये हमें लिंकी से खांच के टाइट करेंगे फुल, टाइट करेंगे। क्या हो रहा है, ये फ्यूल का कपलर है, कपलर है, ये हमने लगाया, बैठ जा। देखो अब हमने मोटर लगाया दोस्तों, ये देखो अब कितना तेल फेंक रहा है, ये रुक मत रहा है एक बार भी, ये देखो तेल रुक नहीं रहा, पूरा तेल आ रहा है, हम फिट करेंगे। फिर अभी देखो दोस्तों अभी स्टार्ट करेंगे, ये देखो पहले बंद हो जा रहा था, अब मिस भी कर रहा था, देखो पूरा इसलेटर लेने से मिस नहीं, पूरा इसलेटर लेने से भी मिस नहीं हो रहा है, अब गाड़ी बंद भी नहीं हो रहा है। इसका पंप ख़राब हो जाता है अक्सर, और या तो ठीक ये सेंसर ख़राब होता है, ये वाला ये हमेशा होता है। आप इसी तरह से सलो कर सकते हो कि पंप में तेल आता कि नहीं आता, वहाँ से आप देख लोगे। देखो हम खोलते हैं, देखो कैसे पता चल जाएगा उस टाइम कितना कम आ रहा था, ये देखो ऐसे चेक करोगे हमेशा, तेल ये लगातार गिरना चाहिए, फिर बंद होना चाहिए, फिर आ जाएगा ये बरोबर, फिर हो जाता है। अब कैसे ठीक करोगे, ऐसे ही देखोगे आप, चेक करोगे किसी का भी, अब देखो ये बंद नहीं हुआ, हमने ये भी चेक किया था, सेंसर भी किया था, नहीं हुआ है, सिर्फ पंप डाला, फिर ये मोटर पंप डाला हमने, ठीक हो गया। ये रहा हमारा पंप, कभी भी इसी में ख़राबी हो जाता है, इसमें तेल अच्छे से नहीं फिल करता है, आप इसी को चेंज पहले देख लिया करो, फिर चेंज कर दिया करो।
ये 3538 रुपये का आता है ये पंप, और वो सेंसर है 968 रुपये का आता है। आप इसको चेंज कर दिया करो, ये ठीक हो जाएगा बाइक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।